विराट कोहली ने सुरेश रैना पर किया बड़ा खुलासा, बोल दिया यह सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK स्पोर्ट्स में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी सुरेश रैना को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और चाहते हैं कि IPL में वह जल्द से जल्द वापसी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो की ओर। दोस्तों मिस्टर IPL कहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे सुरेश रैना, इस बार उनका दांव नहीं लगा। CSK के अलावा किसी अन्य टीम ने भी उन पर बोली नहीं लगाई और रैना IPL 2022 मेगा ऑक्शन में नहीं बिक सके। रैना को CSK द्वारा न खरीदे जाने पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा उन्हें क्यों नहीं रिटेन किया गया और क्यों रहे अनसोल्ड। जी हां दोस्तों, एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बातचीत में कोहली ने कहा कि इसमें 203 भाग हैं, उन्होंने UAE में अपनी वफादारी खो दी। हमें इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों था, लेकिन आप जानते हैं कि इसके बारे में पर्याप्त अटकलें हैं, इसलिए उन्होंने वफादारी खो दी। पूरी टीम में से उन्होंने MS धोनी की वफादारी खो दी, इसलिए एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके वापस स्वागत किए जाने की संभावना बहुत कम होती है। वह फिट नहीं है और उसे शॉर्ट बॉल से डर लगता है। गौर हो कि रैना IPL 2020 के दौरान COVID-19 के कारण संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस आ गए थे। उन्हें IPL 2021 के लिए CSK द्वारा बरकरार रखा गया था, लेकिन रैना घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट के अंतिम चरण से चूक गए थे। नियमित चोटों और उचित प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की कमी इस साल उनके अनसोल्ड रहने की कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। रैना के IPL में 205 मैचों में 5228 रन हैं। तो दोस्तों विराट कोहली के इस बयान पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।